हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। इसमें बोला है कि दो बॉल है, एक का मास m है और दूसरे का 2m है। फर्स्ट वाले बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया और सेकेंड वाले बॉल को वर्टिकल के साथ एंगल थीटा के डायरेक्शन में थ्रो किया गया। बोथ दी बॉल्स स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, और यह भी बोल रहा है कि दोनों बॉल एयर में सेम पीरियड के लिए स्टे करता है, यानी दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह इक्वल है। द रेशियो ऑफ द हाइट्स अटेंड बाई द टू बॉल्स रेस्पेक्टिवली इज 1/x, और फर्दर बता रहा है कि दोनों का जो हाइट का रेशियो है 1/x है। द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें x का वैल्यू बताना है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। पहले बॉल को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया और दूसरे बॉल को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल के डायरेक्शन में थ्रो किया गया। यह देखिए, यह थीटा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल में थ्रो किया गया, और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉल है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह u1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और सेकेंड बॉल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं u2 है। u2 कहाँ से आएगा, जो सेकेंड बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकल के साथ थीटा एंगल के डायरेक्शन में, तो उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह हम मान लेते हैं कि u2 है। तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t = होता है 2u/g। u यहां पर होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसके इक्वल होगा। यहां पर u प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी नहीं है, यह जो u है वह वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसका वैल्यू है। तो t = हो जाएगा 2u/g। अब हम फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि यह है t1 है, तो यह इक्वल हो जाएगा 2u1/g। उसी तरह सेकेंड बॉल का हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं t2, यह इक्वल हो जाएगा 2u/g। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों बॉल सेम टाइम तक, सेम पीरियड तक एयर में रहता है, यानी दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह इक्वल है, तो यहाँ पर t1 = t2 हो जाएगा। तो हम दोनों को इक्वल करते हैं, तो यह हो जाएगा 2u1/g = 2u2/g। तो यहाँ पर g कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा u1 = u2, यानी दोनों बॉल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह इक्वल है। अब हम यह भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है वह होता है u² / 2g। यहाँ पर u है वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो हम दोनों का h1 निकाल लेते हैं, फर्स्ट बॉल का जो है हाइट है मान लेते कि h1 है, तो यह हो जाएगा u1² / 2g। u1 फर्स्ट बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और h2 इक्वल हो जाएगा u2² / 2g। u2 यहाँ सेकेंड बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। अब हम h1 दोनों का रेशियो निकालना है हाइट का, तो h1/h2 कर देते हैं, तो यह हो जाएगा u1² / 2g / u2² / 2g। तो इसमें देखिए 2g कैंसिल हो जाएगा, तो h1/h2 हो जाएगा u1² / u2² और अभी हम लोगों ने यह भी देखा था कि u1 = u2 है, तो h1/h2 हो जाएगा 1/1। तो हमें यह रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 1/x है, तो x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1।
तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।